हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5th. चैप्टर नेम इज कम लेट्स प्ले गेम्स. इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. हमने पिछली क्लास में इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स पढ़े थे. इंडोर गेम्स में क्या होता है, जो हम घर के अंदर गेम्स खेलते हैं, जैसे चेस, लूडो, चापर एक्सेट्रा. एंड आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर आउटसाइड, इट मीन्स गार्डन, प्लेग्राउंड, एटसेट्रा. आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एक्सेट्रा. एंड वी विल लर्न योगा. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, योगा के बारे में. जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स, इट मीन्स सिंपल वर्ड गेम्स. गेम्स किसके लिए यूज़ में करते हैं, हम इस खेलने के लिए. लेकिन उससे क्या होता है, हमारी फिजिकली एंड मेंटली दोनों क्या होते हैं, शार्प होते हैं, फिटनेस रहते हैं. तो इसी तरह से योगा भी वही चीज़ है. योगा भी हमारे मेंटल और फिजिकली दोनों को क्या रखता है, शार्प करता है और फिटनेस रखता है. तो आज हम पढ़ेंगे योगा के बारे में कि योगा होता क्या है. फर्स्ट, योगा का मींस अ सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज फॉर द बॉडी दैट इन्वॉल्व्स ब्रेथ कंट्रोल एंड हेल्प रिलैक्स बोथ योर माइंड एंड बॉडी. यहाँ से आपको पता चल ही रहा होगा, माइंड एंड बॉडी एंड ब्रेथ कंट्रोल. इट मीन्स योगा एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों क्या मिलता है, संतुलन मिलता है और शांत रहता है. ठीक है, अब है योगा की उत्पत्ति. योगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी शुरुआत कैसे हुई है. हम तो आज की जनरेशन क्या करते हैं कि हमें पता चल रहा है, जैसे चैनल पर आ रहे हैं, यूट्यूब है, टीवी पर है कि योगा करवा रहे हैं, योगा हमारे लिए बहुत नेसेसरी है या हम उससे हमें प्रॉफिट ही मिलता है, तो हम देख रहे हैं और करते हैं. लेकिन योगा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई है, वो हम मैं आपको बताती हूँ. द ओरिजिन्स ऑफ योगा हैव बीन स्पेक्यूलेटेड टू डेट बैक टू प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशंस. योगा का कहाँ से उद्भव हुआ है, वैदिक काल से, मतलब हिंदू धर्म की परंपरा जहाँ से स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, वहाँ से ये योगा शुरू हुआ है. ठीक है, प्रैक्टिस योगा इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद बट मोस्ट लाइकली इट डेवलप्ड अराउंड द 6th and 5th century BCE. ऋग्वेद, बी केयरफुली, ऋग्वेद एक ऐसा काल है जहाँ से योगा का बारे में सोचा गया है, मतलब उसका उद्भव हुआ है, उद्गम हुआ है कि हाँ यहाँ से हमें योगा करना चाहिए. लेकिन बट मोस्ट लाइकली इट डेवलप्ड अराउंड द 6th and 5th century BCE. बट उसका विकास कब हुआ, 6th and 5th century में योगा का विकास हो गया. लोगों के पास जानकारी जाने लगी कि योगा भी करने चाहिए. पहले हम प्लैंक तो करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उन प्लैंक करने से हमें हमारी बॉडी भी फिटनेस रहती है या माइंड भी शार्प होता है. तो लेकिन अब गेम्स के साथ साथ कुछ लोग योगा भी करते हैं. तो योगा का विकास कहाँ से हुआ, 6th and 5th century से. ओके, जैसे अब कुछ योगा से, फॉर एग्जांपल ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन एंड सूर्य नमस्कार. इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे योगा के, और योगा के आपको प्रोसेस भी पता है. सबसे पहला योगा, अगर हमारी बैठे रहने की होती है तो हमें हमेशा आसन पे करना चाहिए, ना कि बिना आसन के हमें कोई भी योगा नहीं करना चाहिए. जैसे मोस्ट, फॉर एग्जांपल आपने योगा के बारे में सुना है टीवी एंड यूट्यूब पे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे योगा गुरु भी है जो हमें अलग अलग योग सिखाते हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए. जैसे हमारे हैंड में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अलग एक्सरसाइज या योगा होते हैं. हमारे जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो अलग योगा होते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल बाबा रामदेव, जो आपने सबने सुना है, सबने सुना है, मुझे पता है सब जने जानते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव एक अच्छे योग गुरु हैं. इसके साथ साथ उन्होंने कुछ प्रोडक्ट भी चलाए हैं जिससे हमारे लिए नुकसान नहीं होते हैं. तो फॉर एग्जांपल बाबा रामदेव, बाबा रामदेव हमारी बॉडी की तरह तरह पार्ट के, इच पार्ट के अलग अलग योग हमको सिखाते हैं, जिससे उससे हमें क्या मिलता है, लाभ भी मिलता है और हमारी बॉडी भी फिटनेस रहती है और माइंड शार्प होता है. तो योग हमारे लिए क्या है, एक बेनिफिट ही है और नेसेसरी भी हो गई है. जैसे आपने लॉकडाउन के दरमियान मोस्ट ऑफ मॉर्निंग के टाइम में आपने योग किए होंगे, और आई नो, मैं जानती हूँ कि आपने ज़रूर योगा किए होंगे. यस, क्या बताया था मैंने आपको, अ सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज.
एक्सरसाइज क्या एक तरीका है, क्या योगा मतलब योगा एक अपना एक ऐसा तरीका है जो हमारे बॉडी और हमारे माइंड को क्या करता है, रिलैक्स करता है, शांत करता है। आपको पता ही है योगा अलग अलग मुद्राएं में होती है, जैसे हाथ के द्वारा, पैरों के द्वारा, सांस के द्वारा, नाक को बंद करके, ये सारे क्या है, योगा ही है। तो ये एक हमारा एक तरीका है, एक सिस्टम है जिससे हमारा माइंड और हमारा बॉडी क्या फील करती है, रिलैक्स फील करती है। जैसे आपको पता है और आप सब जानते हो, जैसे आप क्लास स्कूल के अंदर आफ्टर एवरी पीरियड, ठीक है, आफ्टर एवरी पीरियड के बाद में आपको एवरी टीचर्स क्या कह के जाते हैं, डू मेडिटेशन बोलते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। तो मेडिटेशन भी एक क्या है, योगा का पार्ट है। जैसे आप पिछले जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड कंटिन्यू पढ़ते जा कर, तो आपके माइंड में क्या हो गया, वो सारा माइंड के अंदर स्थिर स्टोर हो गया है। तो आपको जैसे टीचर बोलते हैं डू मेडिटेशन, तो आप क्या करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको क्या फील होता है, एकदम रिलैक्स, कि आपके माइंड में जो भी होता है वो एकदम क्लीन हो जाता है, और आप नेक्स्ट पीरियड के लिए और नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्या हो जाते हो, रेडी हो जाते हो, होते हो ना, ये चीज़ आप करते हो, क्योंकि आपको एवरी टीचर एवरी पीरियड के आफ्टर एवरी पीरियड के बाद में क्या कह के जाते हैं, डू मेडिटेशन। अगर आप नहीं भी करते हो मेडिटेशन, तो आज से आप 5 मिनट मेडिटेशन करा करो, ताकि आपके माइंड में जितना भी स्टोर है पहले का वो एक बार क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, और रिलैक्स फील करो कि हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने स्टडी की, किसी सब्जेक्ट में लर्न किया, आपने एक सब्जेक्ट में लर्न किया कि हाँ इसके सारे क्वेश्चन आंसर मुझे लर्न, अब आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट में भी लर्न नहीं करना है, तो आपके क्या हो जाता है, मेसअप हो जाता है कि इसके क्वेश्चन इसमें आंसर दे देती है, इसके आंसर इसमें कर दिए। तो उस समय आप क्या करो, थोड़ा सा फर्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर लर्न किए, मेडिटेशन करो, रिलैक्स फील हो जाओ, 5-10 मिनट्स इधर उधर घूम लो, एकदम प्रॉपर क्लीन हो जाओ, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को लर्न करो। तो ताकि आपका क्या हो जाता है, योगा से, मेडिटेशन से आपका माइंड क्लीन हो जाए और आपको रिलैक्स फील हो जाए। तो ये क्या था, आपके योगा का एक पार्ट था। अगर आप डेली योगा नहीं करते हो, अभी तो आपके स्कूल नहीं आ रहे हो, आप घर पे ही हो, तो मैं चाहती हूँ, मैं कह रही हूँ आपको कि आप एवरी डे 10 मिनट्स एक योगा को दे दो। मतलब कि आपको मन बना लो कि मुझे डेली 10 मिनट्स योगा करने ही, कुछ नुकसान नहीं, इससे आपको सिर्फ बेनिफिट है कि आपका माइंड और बॉडी दोनों शार्प हो जाएंगे। ओके, तो आज से मैं कह रही हूँ आपको कि डेली क्या करना है, आपको योगा करना है। ओके, गेम्स ड्राइव वीकनेस अवे, इट मीन्स खेल हमारी कमजोरियों को क्या करता है, दूर करता है, क्या करता है, दूर। मेक हेल्थ ब्यूटीफुल, गेम्स हमको क्या बनाता है, खूबसूरत बनाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को सुंदरता बनाए रखता है। गेम्स टीच अस मैनी स्किल, ये जो गेम होता है हमें कई तरह की कुशलता सिखाता है। ओके, रिमूव डिफरेंस ऑफ कलर एंड ड्रेस, और हमारे के अंदर जो ये तरह तरह के रंग होते हैं या हमारे ऐसी कोई नस्ल होती है उसको, कमजोरी को दूर करता है। मतलब गेम अब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको आसानी से पता चल रहा है। जैसे हमारी क्लास में, आपको पता है हमारी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो गेम्स में पार्टिसिपेट करते आगे होकर, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो गेम में बिल्कुल रहना पसंद नहीं करते। कोई तो ये सोचता है कि नहीं मैं गिर जाऊँगा, मेरे लग जाए, कोई ये सोचता है मुझे आता ही नहीं है, और किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, जबकि सबको इंटरेस्ट होता है, सब सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या है, वो अंदर एक अजीब सी कमजोरी होती है कि नहीं मेरे को ये नहीं करना है, वो अपना माइंड बना लेते कि नहीं मुझे गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है। बट ऐसा नहीं है, आपको शुरुआत छोटे से छोटे प्लैंक से करो, फुटबॉल से, क्रिकेट से, नहीं आते कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। और हमारी क्लास में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गेम्स में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और कुछ स्टूडेंट तो करते हैं। तो मैं आपको आज से ये भी कहती हूँ कि हमारे स्कूल लेवल पे जितने भी स्पोर्ट्स वीक होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप क्या करते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, चेस, कैरम वगैरह, लेकिन आप आउटसाइड आउटडोर जो गेम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते ही नहीं हो, नहीं मुझे नहीं करना है। इसमें आपको ये नहीं कि स्पोर्ट्स लेवल पे जाना है, कुछ नहीं, आपकी ये क्या होती है, बॉडी में एक फिजिकली फिटनेस होती है, ये आपके माइंड को एक्टिविटी का एक्टिव करने के लिए होता है, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। तो आपको गेम्स बहुत ही ज़रूरी है, आप गेम्स, जैसे आप घर पे भी तो गेम्स खेलते ही हो, लेकिन घर पे गेम्स किस चीज़ का यूज़ करते हो, मोबाइल या टीवी या लैपटॉप, जिसमें आप गेम्स डाल देते हो वो गेम्स यूज़ करते हो, लेकिन आप ऐसे कोई गेम्स यूज़ नहीं करते जिससे आपकी फिजिकली और मेंटली दोनों शार्प हो और या फिर डेवलप हो। लास्ट लाइन है, गेम्स हग ऑल, तो हमें क्या करना है,
गेम्स को अपने से दूर नहीं भगाना है, जबकि उसको अपने पास रखना है, अपने को गले लगाना है। गेम से भागना नहीं है कि हमें गेम्स नहीं आते या मुझे नहीं सीखना, ऐसा नहीं करना है। ये एक तरह से आपकी एक एक्टिविटी होती है। ओके, जैसे दिस आर सम एक्सीलेंट प्लेयर्स हु हैव मेड अस प्राउड बाय देयर अचीवमेंट्स। ऐसे हमारे भारत के अंदर या वर्ल्ड के अंदर ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने अचीवमेंट किया है, बहुत ही अच्छा किया है। जैसे फर्स्ट स्विमिंग है भक्ति शर्मा एंड विद्रवल खड़े एक्स्ट्रा। तो मतलब ये जो दो नेम हैं, जैसे भक्ति शर्मा कहाँ की है, अपने राजस्थान की है, तो इन्होंने स्विमिंग में बहुत ही अच्छी तैराक है, ये बहुत ही अच्छा ये स्विमिंग करते हैं। नेक्स्ट अर्चरी मतलब निशानेबाजी लगाना, जिसमें लिम्बा राम एंड दीपिका कुमारी। तो ये दोनों प्लेयर इतने अच्छे निशानेबाजी लगाते हैं कि इन्होंने अपना नाम फेमस किया है। और जैसे क्रिकेट, अगर इन दोनों के बारे में आपको नॉलेज नहीं, लेकिन आपको क्रिकेट के बारे में तो नॉलेज है ही है, मोस्ट ऑफ आप खेलते भी हो और देखते भी हो। तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली, तो आपको पता है ये दोनों कितने अच्छे प्लेयर और कितने अच्छे ये क्रिकेट खेलते हैं। तो आपको भी इसी तरह से गेम्स में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप स्कूल लेवल पे भी सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करें और डेली योगा का भी आप 10 मिनट्स योगा करें। और मेडिटेशन तो आपको डेली करना ही, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो हर एक सब्जेक्ट के बाद में, जैसे आप 2 सब्जेक्ट लेके बैठो डेली, तो लर्निंग की 5 मिनट का मेडिटेशन करो, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लो और उसमें आप लर्निंग करो। तो अपने आज के चैप्टर में यही हुआ बात की अपन ने गेम्स और योगा के बारे में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।